दोस्तों कुछ दिनों पहले एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने बताया था कि जी और जियो के बीच से पार्टनरशिप हट गई है, यानी पार्टनरशिप टूट गई है। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि जी टीवी नेटवर्क के सभी चैनल जियो टीवी ऐप से हटा लिए गए हैं। साथ ही उस वीडियो में मैंने आप लोगों से ये भी पूछा था कि क्या आप जियो टीवी ऐप में जी नेटवर्क के सारे चैनल दोबारा देखना चाहते हैं, और आप सभी ने बहुत से कमेंट किए और सभी लोगों ने ये लिखा कि हाँ, हम जी के चैनल यानी जी नेटवर्क के चैनल दोबारा से जियो टीवी ऐप में देखना चाहते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है, बने रहिए हमारे साथ और सुन के जाइए एक अच्छी सी खुशखबरी, वो भी जियो की तरफ से, वो भी जी नेटवर्क की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं YouTube का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और जी एंटरटेनमेंट के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है, यानी एक साझेदारी हुई है, जिसके तहत जी के 37 चैनल को जियो टीवी ऐप पर देखा जा सकेगा। आई थिंक इस पार्टनरशिप से जियो को बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं दोस्तों, 37 चैनल के अलावा जियो टीवी यूजर्स जी के सभी कंटेंट को देख पाएंगे, और ये फैसला जियो के 23 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए विशेष फायदे का सौदा साबित होने वाला है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि जी और जियो के पार्टनरशिप से हमारा क्या फायदा होगा, यानी यूजर्स का क्या फायदा होगा। तो दोस्तों देखा जाए तो ये पार्टनरशिप रिलायंस जियो की अब तक की सबसे बड़ी कंटेंट साझेदारी मानी जा रही है। इसके जरिए जियो यूजर्स को G5 कंटेंट का एक्सेस मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि G5 का कंटेंट केवल सब्सक्रिप्शन बेस है, लेकिन जियो यूजर्स इसे फ्री में इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फ्री में इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों G5 ऐप में वीडियो ऑन डिमांड नेटवर्क का कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाता है। यही नहीं दोस्तों, G5 ऐप G5 ओरिजिनल्स, मूवीज, टीवी शोज, म्यूजिक वीडियोज, लाइफस्टाइल शोज, किड्स शो, प्ले को जियो यूजर्स डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन लाइव टीवी के लिए यूजर्स को जियो टीवी ऐप को ही एक्सेस करना होगा। आइए जानते हैं कि क्या है जियो और जी का कहना। दोस्तों जी इंटरनेशनल और Z5 ग्लोबल के CEO अमित गोयनका के अकॉर्डिंग कंपनी इस पार्टनरशिप से काफी उत्साहित है। साथ ही बतौर कंटेंट क्रिएटर हमारा प्राथमिक उद्देश्य देश और दुनिया में अपने दर्शकों के लिए समृद्ध और उन्हें पसंद आने वाला कंटेंट तैयार करना है। जियो के डायरेक्टर आकाश अंबानी ने कहा है कि अब जियो यूजर्स की पहुंच जी ग्रुप तक भी होगी, इसे लेकर हम काफी खुश हैं। दोस्तों देखा जाए तो जी नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो को टक्कर देने के लिए कई ओरिजिनल कंटेंट बना रहा है। इन्हें ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाने के लिए जी ने जियो के साथ पार्टनरशिप की है। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जी 12 इंडियन लैंग्वेज में कंटेंट उपलब्ध कराता है। दोस्तों अगर आप जियो और जी के इस डील से खुश हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप जियो या जी के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आज देखता हूं कि कितने लोग जियो को पसंद करते हैं, कितने लोग जी को पसंद करते हैं। तो मिलता हूं अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हां दोस्तों ये जरूर बता के जाना कि क्या आप इस डील से खुश हो या नहीं, क्या आप वाकई जियो टीवी ऐप में जी नेटवर्क के सारे चैनल्स देखना चाहते थे, अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। और हां एक बात तो मैं भूल ही गया, मैंने अपना एक सेकंड चैनल भी बनाया है जिसका नाम रोचक साला है, जहां पर मैं इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोज कुछ रोचक स्टाइल में डालता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार विजिट करके फीडबैक जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।